घायल होने के बाद ममता बनर्जी को नंदीग्राम से कोलकाता लाया गया। वहां अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने ममता बनर्जी की जांच की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक ममता बनर्जी को पैर, कंधे, हाथ और गर्दन में चोट लगी है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों के मुताबिक ममता ने सांस लेने में तकलीफ की भी शिकायत की। ममता बनर्जी को 48 घंटों तक निगरानी में रखा जाएगा। ममता बनर्जी की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हैं और उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो ममता बनर्जी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी जांच की। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के कंधे में चोट लगी है, गर्दन पर भी चोट आई है, इसके अलावा पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे जब SSKM अस्पताल उनको लाया गया था और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे स्ट्रेचर पर उन्हें अस्पताल लेकर, और अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों की एक टीम जो उनकी जांच डॉक्टरों की टीम की तरफ से की गई, फिलहाल वो निगरानी में रखी गई और ऐसी जानकारी मिली कि 48 घंटों तक उनको निगरानी में रखा जाएगा। ममता बनर्जी के साथ जब ये हादसा हुआ तो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि 3 से 4 लोग थे जिन्होंने जानबूझकर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। इस सबके बीच ममता बनर्जी फिलहाल कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं और वहां उनका इलाज चल रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से सांस लेने में तकलीफ की भी शिकायत की गई। इस बीच तो 48 घंटे तक उन्हें निगरानी में रखा जाएगा और उसके बाद ही डॉक्टरों की टीम डिसाइड करेगी कि उनको अस्पताल से छुट्टी दी जाए या फिर अभी और उनको अस्पताल में रखा जाए। तो कल नंदीग्राम में जब वो लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रही थी कार में, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त कार का गेट खोलकर वो लोगों का अभिवादन कर रही थी और इसी दौरान उनके साथ ये घटना घटी जिस पर ममता बनर्जी ने साजिश का आरोप लगाया। तो डॉक्टरों की टीम लगातार ममता बनर्जी का इलाज कर रही है। कल जांच की गई थी, पैर, कंधे और हाथ में चोट की खबर है, गंभीर चोट आई है और इस बीच ममता बनर्जी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। ममता बनर्जी की तरफ से यह कहा गया कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। ममता बनर्जी एक दिन पहले नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान जख्मी हो गई थी। ममता ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत उन पर यह हमला किया गया। नंदीग्राम में नामांकन के बाद वो देवलिया इलाके में चुनाव प्रचार कर रही थी और खबर है कि वो अपनी गाड़ी के दरवाजे के पास खड़े होकर लोगों से बात कर रही थी और इसी दौरान धक्का लगा, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट लग गई। इसके बाद ममता को कोलकाता लाया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अस्पताल के बाहर ममता के समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई और जब बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ वहां ममता को देखने पहुंचे तो उन्हें कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। तो ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी जब देवलिया में लोगों से बात कर रही थी और उनको अभिवादन कर रही थी, उसी दौरान गाड़ी का गेट खोलकर वो लोगों से बात करती हुई दिखाई दी और तभी उनके साथ ये घटना घटी, जिसको लेकर ममता बनर्जी का आरोप है कि साजिश के तहत उन पर हमला हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं TMC के, वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस सबके बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी से मिलने के लिए जब पहुंच रहे थे तो उन्हें वहां TMC के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। फिलहाल ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदीग्राम से अमित सिंह हमारे साथ हैं और SSKM अस्पताल जहां ममता बनर्जी भर्ती हैं वहां से आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशिका, सबसे पहले आपके पास आते हुए जरा बताइए कि अब ममता बनर्जी की तबीयत कैसी है और क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? देखिए, अंदर जो VIP एक केबिन है 12 नंबर, वहाँ पर ममता बनर्जी को रखा गया है। रात को MRI के लिए यहाँ से भांगड़ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस ले जाया गया था, उसके बाद वापस यहाँ पर ले आया गया है। फिलहाल स्टेबल तो हैं लेकिन हल्का सा बुखार सुबह रहा है और दर्द काफ़ी है, जो ये बता रहे हैं डॉक्टर्स की जो चोट लगी है वो क्रैक काफ़ी बड़ा लगा है। इसके अलावा लिगामेंट रप्चर भी हुआ है, टिश्यू भी जो है वो रप्चर हुआ है, तो इसको लेकर के दर्द में काफ़ी हैं ममता बनर्जी। उनको दवाएं दी जा रही हैं और फिलहाल सो रही हैं, लेकिन दिन में फिर जो हेल्थ अपडेट है वो आएगा। अस्पताल की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो समर्थक हैं वो अभी से जुटने लगे हैं और रात भर कई समर्थक ऐसे हैं जो यहाँ अस्पताल में ही जिन्होंने रात बिताई है और ममता बनर्जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं।